अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आज जरा ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज मैं आपसे फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई ऊपर रख लो, इसमें 1 किलो दूध शामिल कर लेंगे। हमारे पास फुल क्रीमी दूध है, 1 किलो हालस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डब्बे का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को सबसे पहले हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। जी माशाल्लाह जी, दूध गर्म होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें 1/2 कप चीनी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। जी माशाल्लाह जी, 1 किलो दूध में से हमने 1 कप दूध ले लिया है और इसमें हम 3 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड डाल लेंगे। हमारे पास मैंगो फ्लेवर है, आप कोई सा भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून डाल देंगे कस्टर्ड और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह जी, दूध को उबाले आ रहे हैं और इस टाइम पे हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप इलायची सेंट डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अगर आपके पास इलायची सेंट नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून। आपने दूध को अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा बॉयल कर लेना अच्छे तरीके से। और अभी हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे। इस टाइम पे अभी हम कस्टर्ड शामिल कर लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड लेके इसमें शामिल करते जाना, 7 चम्मच भी हिलाते रहना। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड डालने में चम्मच को हिलाते रहें। अगर आपने चम्मच को ना हिलाया तो आपका कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। माशाल्लाह जी, आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड हमारा थिक हो रहा है। आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना मीडियम टू लो फ्लेम पे। 5 मिनट में कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हम कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। नहीं जी माशाल्लाह जी, कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। नहीं जी माशाल्लाह जी, कस्टर्ड को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। इसके साथ हमने फ्रूट ले लिया है, 3 से 4 अदद केले थे, 1 अनार था मीडियम साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ के सेब थे, उनको बारीक बारीक काट लिया है और साथ में थोड़ा सा अंगूर था। नहीं जी माशाल्लाह जी, कस्टर्ड को हमने ट्रे में डाल लिया, आप कोई भी बर्तन में डाल सकते हैं। अभी हम इसमें फ्रूट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जी, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जी माशाल्लाह जी, कस्टर्ड को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया फ्रूट में। अभी हम इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद आप खाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। अभी हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।